इंडिया चाय पीने वाले का देश है, ऐसे में कॉफी के बारे में सोचना और देश की सबसे बड़ी कॉफी चेन खोल देना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। कैफे कॉफी डे, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, अपने कॉलेज में अपने गर्लफ्रेंड के साथ पहली कॉफी शायद वहीं पी होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये वही कॉफी चेन है जिसने कॉफी को मेन स्ट्रीम कल्चर में लेके आए। इसका दबदबा इस हिसाब से आप लगा सकते हो कि एक समय पे जब ये नंबर वन थे इनकी 1400 से ज्यादा आउटलेट थे और नंबर टू पे कोस्टा कॉफी चेन थी जिनके 170 थे। और सबसे खुशी की बात है ये शुद्ध देसी इंडियन कंपनी थी। बट कैफे कॉफी डे के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ ने 2019 में सुसाइड कर लिया। इस घटना से बिजनेस वर्ल्ड और पॉलिटिकल वर्ल्ड में खलबली मच गई। अब आप बोलोगे राहुल जी बिजनेस वर्ल्ड तो समझ जाता है, पॉलिटिकल वर्ल्ड क्यों? इनके जो ससुर जी हैं वो एस एम कृष्णा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के जो अभी डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार इनके दोस्त थे, नंदन नीलकेणी जो इंफोसिस के फाउंडर थे या फिर आपके आधार जिन्होंने स्टार्ट किया वो इनके परम मित्र थे। इतनी बड़ी पॉलिटिकल और बिजनेस सेलिब्रिटी थे, वो छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं थे। इंफोसिस माइंडट्री ऐसी कंपनियों के शुरुआती इन्वेस्टर थे ये। जब इनकी कंपनियों का आईपीओ आया था राधा कृष्ण दामानी राकेश झुंझुनवाला नंदन नीलकेणी इतने बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया था। आखिर ऐसे आदमी को सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या बिजनेस में लोन लेना इतना घातक होता है? क्या बिजनेस में लोन नहीं लेना चाहिए? बिजनेस में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दो तो फायदा होता है या नुकसान? इस बिजनेस और पॉलिटिकल केस स्टडी में आपको सीखने को मिलेंगे इन सभी बातों के जवाब और मैं दूंगा टोटल 8 लाइफ या बिजनेस लेसन जिसको एक आम आदमी सुन के अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है और बिजनेसमैन अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को इसको सुन के ठीक कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि इंडियन स्मॉल बिजनेसमैन की सफलता पे एक सीरीज लाऊंगा द लोकल हीरो नाम से, उसमें पहला वीडियो था संजीव जुनेजा, दूसरा था बालाजी एफर्ट्स और तीसरा आज आपके सामने सीसीडी पीजी सिद्धार्थ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ सीसीडी। तो स्टार्ट करते हैं द राइज से, कैसे जीरो से टॉप पे पहुंचे। इंडिया चाय पीने वालों का देश है लेकिन कॉफी के उत्पादन में भी हमारा 7वां नंबर आता है और हमारे देश की 90% कॉफी कर्नाटक केरल तमिलनाडु इस एरिया से आती है। 80% तो एक्सपोर्ट कर देते हैं पर ये जो दो स्टेट है कर्नाटक और तमिलनाडु इनमें भैया चाय से ज्यादा कॉफी का शौक है और आपने भी फिल्टर कॉफी कभी न कभी स्टेट की जरूर पी होगी। कर्नाटक के चिकमंगलूर इलाके में कॉफी प्लांटेशन का बहुत बढ़िया काम है और वीजी सिद्धार्थ के जो पूर्वज हैं 150 साल से कॉफी प्लांटेशन का वहां पे काम कर रहे थे। 1956 में फैमिली बंटवारे के बाद इनके पिताजी ने 480 एकड़ का लैंड लिया और उस पे कॉफी प्लांटेशन का काम चालू किया। वैसे तो वीजी सिद्धार्थ को हम कॉफी किंग के बारे में जानते हैं पर इनका कॉफी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। इनको ज्वाइन करनी थी इंडियन आर्मी, एनसीसी में भी मेंबर रहे, आर्मी के लिए ट्राई भी किया लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाए तो उन्होंने कहा चल क्या करें फिर कुछ और करते हैं, लेकिन फिर भी कॉफी का काम नहीं किया। इनका इंटरेस्ट जगह शेयर ट्रेडिंग में, बोले यार शेयर्स में काम करेंगे। ये बॉम्बे गए, जेएम फाइनेंशियल उस समय की सबसे बड़ी फर्म थी, वहां पे जाके उन्होंने 2 साल काम सीखा और खुद की शेयर ट्रेडिंग की कंपनी सिवान सिक्योरिटीज नाम से डाल दी। जब शेयर कंपनी चालू की तो पिताजी से पैसे मांगे तो पिताजी ने इसको कहा कि भैया 7.5 लाख रुपए दिए, कहा ये पैसे दे रहा हूं। अब उस समय 7.5 लाख बहुत बड़ी बात थी तो ये भी बड़े आदमी थे। इन्होंने कहा बेटा ये पैसे खत्म हो जाए लॉस हो जाए तो घर आ जाना चुपचाप कॉफी बिजनेस में। और उन्होंने पिताजी को वादा किया था कि भैया पिताजी आपके पास है 480 एकड़ का प्लांटेशन, 100 एकड़ तक का रिस्क मेरे को खेलने दो, 100 एकड़ अगर मेरे से चले गए तो बाकी मैं आके काम कर लूंगा। अब इनके पास 7.5 लाख आए तो उन्होंने गेम खेला, इन्होंने कहा 5 लाख की तो जमीन खरीद के छोड़ दी और 2.5 लाख अपने शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस में लगाया, कहा 5 लाख की जमीन वैसी समय के साथ 10 लाख हो जाएगी, पिताजी को तो चुका देंगे, मेरा भी 2.5 लाख मेरे पास है। और उस दौर में बहुत ज्यादा ट्रेडर्स भी नहीं थे, मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल भी नहीं थी तो प्रॉफिट कमाना काफी हद तक आसान था। ये कहते थे यार बेंगलोर में कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, जयपुर में 10.5 की बेची, मुंबई में 11 की बेची, ऐसे घूम के 25-50 पैसे का मार्जिन रोज निकल जाता था, या तो बंपर प्रॉफिट या बंपर नुकसान, बट रोज कुछ ना कुछ बंपर ही होता था। अब ये समझदार थे, इंटेलिजेंट थे, बिजनेस का सेंस था तो शुरुआत में खूब पैसे कमाए और पैसे का जो प्रॉफिट था वो उसको रीइन्वेस्ट नहीं करते थे स्टॉक में, उससे लैंड खरीद लेते थे। तो 1985 से लेकर 93 8 साल के बीच में इन्होंने 3000 एकड़ लैंड खरीद लिया। तो जो 91 में थोड़ी इकोनॉमी खुली तो इन्होंने कहा भैया जो इकोनॉमी खुली है अब पहले तो लोकल बिजनेस हो रहा था, अब एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, अब इंटरनेशनल लेवल पे अपना माल बिकेगा, मोटा मार्जिन मिलेगा। तो समझदार आदमी थे, शेयर ट्रेडिंग से छोड़ के कॉफी ट्रेडिंग में 1993 में एंटर हुए। 1993 में जब काम चालू किया सफलता मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। 1995 मात्र 2 साल में इंडिया के लार्जेस्ट अनरोस्टेड कॉफी के एक्सपोर्टर ये बन चुके थे। लेकिन उस समय इनको एक प्रॉब्लम समझ में आई बिजनेस में कि यार ये जो कॉफी का मार्केट है ना ये बड़ा वोलेटाइल है,
कभी कहाँ पे सूखा पड़ गया, कहीं भी प्रोडक्शन तेज हो गया, कभी प्रोडक्शन कमजोर हो गया, तो कॉफी के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर नीचे बहुत होते रहते हैं। तो कभी तो हो सकता है बम्पर प्रॉफिट, कभी बम्पर नुकसान, समझ नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कुछ तो कॉन्स्टेंट तरीका हो जिससे प्रॉफिट आए। तो उन्होंने जगह जगह रिसर्च की कि क्या कर सकते हैं। तो इनको समझ में आया वो बात कि भैया अपन को खुद का ब्रांड बनाना चाहिए। ये कॉफी खरीदी कॉफी बेची इससे क्या मतलब है, अपन खुद का ब्रांड बनाते हैं, खुद की पैकेजिंग बनाते हैं, उसमें बेचेंगे। तो इनको तीन ऑप्शन समझ में आए, एक खुद के कैफे खोल सकते हैं, दूसरा खुद का कॉफी पाउडर बेच सकते हैं, तीसरा खुद की कॉफी वेंडिंग मशीन बेच सकते हैं। इन्होंने अपना ब्रांड बनाया कॉफी डे फ्रेश एंड ग्राउंड नाम से और 450 आउटलेट में कॉफी पाउडर बेचना चालू कर दिया। इस मौके पे हम सीखते हैं हमारा पहला बिजनेस लेसन कि भैया जब भी आप कमोडिटी में डील करोगे, आप कॉफी बेच रहे हो, बगल वाले 100 जने 100 के 100 ही कॉफी बेच रहे हैं, तो आपको सेम भाव मिलेंगे, ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर आपको मार्जिन बढ़ाना है, खुद की अलग पहचान बनानी है, और अगर आपको फ्लक्चुएशन से दूर रहना है, तो खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा। कॉफी पाउडर बेचने लग गए, कॉफी वेंडिंग का मशीन का काम भी चालू किया, लेकिन कैफे को लेके थोड़ी सी टेंशन थी। इन्होंने कह रहे कैफे खोलेंगे, दोस्त से डिस्कस किया, दोस्त बुलाए पागल है क्या, 5-5 रुपए में फिल्टर कॉफी जगह जगह मिल रही है, तू 25 रुपए में कैपेचिनो बेचेगा, कौन लेगा तेरे से, पागल है क्या। तो इन्होंने आइडिया छोड़ दिया कि हाँ यार बात तो सही है, 5 की चीज मिल रही, 25 में कौन लेगा। लेकिन उसके बाद इनका सिंगापुर जाना हुआ। सिंगापुर में इन्होंने देखा दुनिया भर के कैफे और वहां पे इंटरनेट लगा हुआ है, फ्री वाईफाई है, और वहां लोग बैठे हुए हैं, कैफे भरे हुए हैं, लैपटॉप लेके लोग काम कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। इन्होंने कहा ये वाला कॉन्सेप्ट मैं एक बार और ट्राई करके देखूंगा। बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन भैया पैसे तो इन्होंने काफी कमा लिए थे। इन्होंने कहा 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके देख, 50 लाख रुपए की मैं लीज वगैरह में डालूंगा, 50 लाख से सेटअप रेडी करूंगा, 50 लाख के कंप्यूटर लगाऊंगा, 1.5 करोड़ में चला तो ठीक, नहीं तो जीरो सही, लेकिन एक बार करके तो देखूंगा। 1996 में इन्होंने पहला कैफे कॉफी डे खोला और उस समय फ्री वाईफाई देना चालू किया जब पूरे इंडिया में 10-15 हजार लोग जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए थे उन्हीं के पास इंटरनेट की एक्सेस थी, आम आदमी के पास थी नहीं। इन्होंने उस दौर में इंटरनेट फ्री प्रोवाइड कराया और पहला कैफे खोला। अगले 4 साल में 2000 तक 22 कैफे पूरे साउथ इंडिया में खोल चुके थे, 2004 तक 200 आउटलेट पूरे इंडिया में खोल दिए, और 2014 में इनका टोटल साम्राज्य देखिए 1488 कैफे, 28,777 मशीन्स जो कॉफी वेंडिंग मशीन्स थी सब जगह कॉर्पोरेट में इनकी लगी हुई थी। बिजनेस एंड लाइफ लेसन नंबर 2, अपने दिल की सुनो। दोस्त तो कुछ भी कहते रहते, देखो उस आदमी का जाना क्या है, बैठ के तुम्हें ज्ञान देना है, जैसी उसकी बुद्धि, जैसा उसका अनुभव, जैसे उसकी रिस्क लेने की क्षमता, वैसा तुम्हें ज्ञान देके चला गया। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ ना, गरीब की हाय और गरीब से राय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और गरीब की राय मतलब जिसकी सोच छोटी हो। तो आपको अगर लगता है कि यार ये चीज है और मुझे करनी है, को ट्राई करनी चाहिए, बशर्ते आपका कन्विक्शन इसमें बहुत ज्यादा हो। कई बार हो सकता है कोई समझदार आदमी आपको रोक रहा है, आप रोके ना, नहीं मैं तो करूंगा, तो वो बेवकूफी भी है। लेकिन आपका कन्विक्शन है, आपको चीजों के बारे में पता है, तो किसी अनजान आदमी की राय नहीं लेनी, दिल की सुननी, काम करना। अगर आपको लगता है वीजी सिद्धार्थ का काम सिर्फ कॉफी बेचना था, तो भाई साहब थोड़ी गलती हो गई आपसे। वो लगे डाइवर्सिफिकेशन स्प्री में, उन्होंने कहा एक काम नहीं दुनिया भर के काम करेंगे, और शायद यही गलती हो गई। अब मैं आपको 2014 तक फास्ट फॉरवर्ड में दौड़ा लाया था, अब थोड़ा बीच में चलते हैं कि 2014 के बीच में कॉफी के अलावा इन्होंने क्या क्या काम किए। 2000 में ये लौटे अपने पहले प्यार की तरफ, फाइनेंशियल एडवाइजरी चालू की, कंपनी का नाम था वे टू वेल्थ, ये रियल स्टेट की दुनिया में कूदे। 2006 में इन्होंने बनाया ग्लोबल विलेज टेक पार्क, 120 एकड़ का था, इसमें 3.3 मिलियन बिल्ट अप एरिया था, और यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट को बुलाया कि भैया यहाँ पे आओ जगह लो, जैसे डीएलएफ नहीं करता मॉल बनाया कॉर्पोरेट को दे दिया, वो वाला काम भी इन्होंने स्टार्ट किया। फिर इन्होंने कहा और क्या करें, तो इन्होंने खुद के हॉस्पिटल सेक्टर में गए, इन्होंने शानदार हाई एंड रिजॉर्ट खोले सराय नाम से, 3 इन्होंने खोले कर्नाटक में, 1 खोला अंडमान निकोबार में। तो भाई साहब अभी आप सोचो कॉफी का काम था, कॉफी में भी डायरेक्ट कॉफी बेच रहे थे, पाउडर बेच रहे थे, मशीन बेच रहे थे, कैफे था, फिर फाइनेंशियल सर्विस में भी कूद गए, रियल एस्टेट में भी कूद गए, और रिजॉर्ट वाले काम में भी कूद गए। फिर 2009 में इन्होंने सोचा यार मेरे पास 15,000 एकड़ से ज्यादा का जगह है, अब यहाँ पे कॉफी के अलावा दुनिया भर के पेड़ टीक ऊक दुनिया भर की चीजें आती है, तो अपन एक फर्नीचर कंपनी भी खोल लेते हैं। तो 2009 में इन्होंने एक फर्नीचर कंपनी खोली कि इसमें जितने भी पेड़ वेड़ है उनको काट के और खुद का प्लाईवुड का, लेमिनेट का, बोर्ड का, फर्नीचर का, किचन, होटल, इनका काम चालू किया, और इनके सीसीडी के जितने फर्नीचर थे ये खुद ही बनाने लग गए, रिजॉर्ट के खुद ही बनाने लग गए, खुद के रियल एस्टेट में खुद ही काम में लग गए, और दुनिया को भी बेचने लग गए। उसके बाद ये इन्वेस्टर भी बन गए, इन्होंने कहा कोई नई कंपनी है तो बताओ इन्वेस्ट करें। जब इंफोसिस का आईपीओ आया था वो सब्सक्राइब ही नहीं हुआ था,
तो उसमें फिर वीजी सिद्धार्थ ने पैसे लगाए कि चलो मैं पैसे लगाता हूँ और 6 महीने में 6 गुना कर लिए खुद के पैसे। फिर एक कंपनी है माइंड ट्री, बहुत फेमस कंपनी है। इनमें शुरुआत में इन्होंने 170 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया और कंपनी की नींव इन्होंने रखी थी, चालू इन्होंने कराया था। और बाद में 2015 के आसपास इन्होंने वो शेयर 2500 करोड़ के प्रॉफिट पे बेचे। कुल मिला के भाई साहब ये सिर्फ कॉफी वाले आदमी नहीं थे, ये रियल स्टेट में भी थे, ये रिजॉर्ट में भी थे, फर्नीचर में भी थे, ये इन्वेस्टर भी थे, सब कुछ थे। और जो पिताजी से इन्होंने पैसे लिए थे 7.5 लाख रुपए, ये 2015 तक इनकी कंपनी की असेट थी 6000 करोड़ रुपए, यानी उस पैसे को 80,000 गुना कर चुके थे पिछले 20-30 सालों में। तीसरा, बिजनेस और लाइफ लेसन, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना, बहुत ज्यादा नावों पे एक साथ पैर नहीं रखना। अब सोचो एक काम करते पर एक नहीं किया, दुनिया भर के काम में कूदे और एक साथ ही सब में कूदे, और यही रीजन हुआ कि उनका डाउनफॉल इतना जल्दी हुआ। अब डाउनफॉल क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगर इस तरह का आपका ग्रोथ है, आप सोचो आदमी तो सक्सेसफुल है, हर जगह ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, हर जगह सक्सेस, ऐसा आदमी कैसे गिर गया, अभी समझते हैं। अच्छा भाई लोग, एक बात आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कर लेता हूं। ये लोकल हीरो सीरीज पसंद आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि आप चक क्या चाहते हो, छोटे छोटे बिजनेसमैन की बात हो के नहीं हो। अगर पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके मुझे बताओ कि इस तरह की चीज पसंद आ रही है तो मैं और लेके आऊं। अब बात करते हैं डाउनफॉल के बारे में। जब आप बहुत तेजी से एक्सपेंड करते हो, बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई करते हो, तो भैया पैसे की जरूरत लगती है। आइडियली स्थिति क्या होनी चाहिए, आदर्श स्थिति, आप एक बिजनेस को सेटल करो, उस बिजनेस से जो पैसा आया उससे दूसरा सेटअप करो, फिर दोनों के बिजनेस से जो पैसा आया उससे तीसरा सेटअप करो, तीसरे से जो आया उससे चौथा करो, और बीच में अगर लोन की थोड़ी मोटी जरूरत पड़ रही है तो ले लो। लेकिन आप कह रहे हो पहला तो सेटल हुआ नहीं अभी ढंग से, उसमें तो कुछ काम बाकी है, दूसरा लोन लेके कर लो, तीसरा लोन लेके कर लो, फिर भैया नहीं मट जाओगे। क्योंकि जब एक साथ बहुत सारी जगह पे जाते हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और आप जब इतनी जगह आपका दिमाग डाइवर्ट है तो आप डिसीजन ले नहीं पाते। इसको एक शब्द कहते हैं मैनेजमेंट बैंडविड्थ। जब आप इतनी चीजें कर रहे हैं कि आपके पास स्ट्रांग टीम है, जितने भी बड़े बिजनेस ने किल किया है, मार्केट में धूम धड़ाका मचाया है, उनके पास एक बहुत स्ट्रांग टीम थी जो उनके पीछे से काम कर रही थी। वीजी सिद्धार्थ के केस में कहा जाता है कि ये लोन शार्क थे, ये अपने लेवल पे काम करते थे, इनके पीछे कोई एक बहुत बड़ी स्ट्रांग टीम में तैयार नहीं कर पाए। हर काम खुद करने की आदत थी, मैं करूं, उस चक्कर में कभी टीम बनी नहीं और इतना बड़ा एम्पायर फिर संभला नहीं। तो 2009 से 2015 जब एक खतरनाक वाला एक्सपेंशन चल रहा था, उन 6 सालों में 2 साल प्रॉफिट रहा, वो भी 37 करोड़ का, बट बाकी 4 साल में टोटल 167 करोड़ का लॉस रहा। तो लेसन नंबर 4 इन लाइफ एंड इन बिजनेस, हमेशा डेलीगेशन करना सीखो, आपके नीचे लीडर पैदा करो कि भैया मैं किसी दिन व्यस्त हूं या मेरे को कुछ और चीज करनी है तो मेरे पीछे से ये आदमी संभाल लेगा। तो अगर आपके पास एक बढ़िया लीडर है जो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं और चीजों को संभाल सकते हैं तभी एक्सपेंड करो। आपके पास ऐसी टीम नहीं है तो किसने कभी एक्सपेंड करना है। अब भैया तुमको करना एक्सपेंशन, तुमको करना डाइवर्सिफिकेशन, और कमियां तुम्हारी प्रॉफिट नहीं दे रही तो पैसा कहां से लाओगे, वहीं से जहां से सब लाते हैं, बैंकों से। कर्जा लोगे, शेयर बेचोगे, यही तो करोगे। इसने भी यही किया, इन्होंने पीई से, प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टर है, जो आज की रेट में वीसी वगैरह बने घूम रहे, उस समय एक प्राइवेट इक्विटी से इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया 960 करोड़ रुपए का। आजकल के वीसी बड़े दिलदातार हैं, उस समय के बड़े खूंसट थे। उसमें से जो इन्होंने इक्विटी वाला पार्ट दिया ना शेयर का, वो मात्र 90 करोड़ था, बाकी पूरा लोन था। अब जब वहां से पार नहीं पड़ी तो ये बैंकों के पास भागे, एनबीएफसी के पास भागे, और 2015 तक जब हम कह रहे हैं कि 6000 करोड़ की असेट थी, वाह भाई वाह, इनका लोन था 4662 करोड़ रुपए का। 2009 में जो इनकी टोटल असेट थी उससे अगर इनका रेशियो देखा जाए तो 22%, मतलब 100 रुपए में से 22 रुपए खुद के थे, 78 रुपए बाहर वालों के थे। 2015 आते आते ये 9 रुपए रह गए और बाहर वालों के 91 रुपए हो गए। लेसन नंबर 5, और ये बिजनेस वाइन के लिए हाथ जोड़ के, कभी भी बहुत तेजी से एक्सपेंड मत करो। प्लस अगर तेजी से एक्सपेंड करना है तो खुद की बिजनेस अगर प्रॉफिट दे रही है, खुद के पास इक्विटी है, वो लगाओ, थोड़ा डेट लेके काम चलो, 50-50 में काम चलाओ। आप एक्सपेंड करते टाइम भाई 90 रुपए का लोन आ रहा है, जेब से 10 रुपए ही लग रहे हैं, तो आज नहीं तो कहीं भैया कर्ज के माया जाल में फंस जाओगे। ये डेट है, किसी को नहीं छोड़ता, ये व्यक्ति को, समाज को, परिवार को, देश तक को खा जाता है। श्रीलंका पाकिस्तान नहीं दिख रहा तुमको। फिर इन्होंने कहा यार भैया कहीं से पैसा नहीं आ रहा, क्या करें, बोले कंपनी का स्टॉक बेच देते हैं, आईपीओ लेके आते हैं। अब आईपीओ बहुत पहले लाना चाहिए था, पर बाद में आई, कोई बात नहीं। इन्होंने आईपीओ का प्लान किया, इनकी दोस्ती थी तो नन्ना नीलकणी ने पैसा लगा दिया, राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दाबानी को भी ये लेके आ गए। तो जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया तो लोगों ने कहा यार हो सकता है कुछ बात हो, लेकिन भैया कंपनी में लॉस आ रहा था, दुनिया भर के कर्जे पड़े थे, तो उसको उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो जब आईपीओ लॉन्च हुआ, ये उस पर्टिकुलर मोमेंट पे देश के 1600वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। इनकी पर्सनल नेटवर्थ 7000 करोड़ के ऊपर हो गई थी, पर वो कुछ मिनटों की बात रही। जैसे
शेयर लिस्ट हुआ 313 पे, वो उसी दिन धड़ाम होकर गिर गया 270 पे और 18% लॉस हो गया। कईयों ने कहा सेंसेक्स डाउन था इसलिए हो गया, कईयों ने कहा बिहार इलेक्शन इसलिए हो गया, बट भाई साहब उस समय एक कंपनी और थी इंटर ग्लोब एविएशन, बताओ ये कौन सी कंपनी है, इंडिगो। इंडिगो का आईपीओ भी एक दो महीना आगे पीछे आया था और वो सुपर सक्सेसफुल रहा था, तो बोले भैया मार्केट का दोष मतलब तुम्हारी गलती है। खैर आईपीओ जैसे तैसे हुआ, जो भी पैसे आए वो पूरा पैसा कंपनी के एक्सपेंशन में जाने की बजाय लोन चुकाने में ही चला गया। अब आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान सुनना मजा आएगा। जो भी व्यक्ति बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और तेजी वाली ग्रोथ लोन लेके करते हैं, उनको लगता है आज नहीं तो कल सब चुका देंगे, कंपनी बढ़िया चल रही है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट आ जाएगा। वो एक चीज से अनजान रहते हैं कि कभी भी कोई भी ब्लैक स्वान इवेंट घट सकती है। ब्लैक स्वान इवेंट यानी किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसी इवेंट भी कभी घटती है, जैसे मान लो कोरोना, जैसे मान लो युद्ध, जैसे अडानी जी की जिंदगी में हिंडनबर्ग, ये घटना घट जाती है पर आदमी नहीं मर जाता है। तो इनकी जिंदगी में दो ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से जो इनका एम्पायर था, जो टॉप ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा था, एकदम से धड़ाम गिर गया। जो पहली ब्लैक स्वान इवेंट थी वो थी पॉलिटिकल। इन पे किसी ने आरोप भी लगाया कि अरे इनके ससुर साहब तो सीएम है और इनका दोस्त है डीके शिव कुमार और ये तो कांग्रेसी आदमी है, तो ये तो अंदर ही अंदर उन्होंने बहुत सारे रियल स्टेट में घपले किए, बहुत सारे कॉफी प्लांटेशन किए, दुनिया भर के इन पे आरोप लगते ही रहे। और ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इनको फायदा भी पहुंचा है, लेकिन जिन जिनको पॉलिटिक्स से फायदा पहुंचा है वो नुकसान भी पॉलिटिक्स से ही पहुंचा है। उसमें आपको याद है गुजरात में एक एमपी थे अहमद पटेल जी, वो एमपी के इलेक्शन के लिए भैया खड़े हुए, इधर से पूरी बीजेपी खड़ी थी कि भैया इनको नहीं जीतने देंगे और इधर से कांग्रेस खड़ी थी कि जिता के लाएंगे। ऐसे केस में क्या होता है, बड़ा बंदी होती है भाई साहब। तो गुजरात के सारे एमपीओ को लेके आ गए और बंद का किया कर्नाटक में। डीके शिव कुमार ने कहा मैं संभाल लूंगा सब, तो डीके शिव कुमार ने वहां के विधायकों को सुरक्षा दी कि भाई साहब ठीक है मैं ध्यान रखता हूँ। तो भाई साहब बीजेपी कम है क्या, बीजेपी ने कहा रुको रेड मारते हैं। तो डीके शिव कुमार पे इनकम टैक्स ने 40 ठिकानों पे रेड की कि भैया पकड़ के लाओ कैसे न कैसे, तो इसको तोड़ के लाओ। अब उस रेड में कुछ निकला तो नहीं उस रेड में, बल्कि डीके शिव कुमार ने बचा भी लिया, अहमद पटेल एमपी भी बन गए, पर नुकसान हो गया विजय सिद्धार्थ का। क्यों? क्योंकि उस रेड के दौरान जब रेड की तो 300 करोड़ रुपए की एक अघोषित आय निकली डीके शिव कुमार की और उसमें नाम आ गया भाई साहब का। और बीजेपी को पता था कि डीके शिव कुमार के अलावा ये आदमी भी है जो कांग्रेस को मदद बहुत करता है, तो लपेट देते हैं इसको भी। तो अगले ही दिन उसके बेसिस पे इनके 20 ठिकानों पे रेड हुई और 650 करोड़ की डिमांड निकाल दी। बिजनेस लेसन नंबर 6, राजनीति एक दोधारी तलवार है। तो किसी को लगता है ना अरे इस पॉलिटिशियन का तो इस पे हाथ आ गया इसलिए टॉप पहुंच गया, तो भैया आज टॉप पे पहुंच गया तो नीचे भी चला जाएगा। बहुत सारे हमने केस देखे, चाहे डीएलएफ है, जिंदल्स है, अभी आपके अडानी का आप नाम लोगे, तो इनमें है कि इनको सपोर्ट में भी नाम लिया गया कि यार सरकार ने बनाया, लेकिन भैया जब ये गिरते हैं उसमें भी सरकार का ही रोल होता है, तो जिसने जैसे उठाया वो वैसे ही गिरा देगा, तो तुम इस चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। सेकंड ब्लैक स्वान इवेंट क्या हुई, एक बहुत बड़ा कंपनी थी ILNFS, आपने नाम सुना होगा, इसका बहुत बड़ा फ्रॉड निकल के आया। ये कंपनियां क्या करती थी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन देती थी और एकदम सी जब इसमें फ्रॉड हुआ तो बाजार में हल्ला मच गया कि अरे यार इतनी बड़ी कंपनी फ्रॉड हो गई। उसके बाद से आरबीआई ने जितने भी बैंक्स वगैरह ना सब पे नकेल कस दी कि भैया ऐसा है ज्यादा लोन वोन नहीं बांटने। तो उस समय बैंक ने और एनबीएफसी ने नए लोन देने पे लगभग पाबंदी सी लगा दी और पुराने लोन रिव्यू करने में भी डरने लग गए। और हमारे विजी सिद्धार्थ की गाड़ी लोन से चल रही थी, इनके पास 2000 करोड़ का लोन तो एनबीएफसी का था, म्यूचुअल फंड का लोन था 901 करोड़ का, अब इनके पास प्रॉफिट तो था ही नहीं। अब इन्होंने कहा यार भैया लोन से ही तो गाड़ी चल रही है, लोन ही आने बंद हो गए और ऊपर से इनकम टैक्स और सर पे खड़ी है, क्या करे आदमी। धीरे धीरे ये अपने जो शेयर्स थे उसको गिरवी रखने लगे, तो एक समय पे इनके पास 53% कंपनी के शेयर थे, वो गिरवी रखते रखते मात्र 14% रह गए। तो कंक्लूजन समझो, इनकी कंपनी पे बहुत सारा कर्जा है, पैसा ये कमा नहीं रहे, अब गाड़ी चलाने के लिए और पैसा चाहिए, वो इस फ्रॉड के चक्कर में बैंक दे नहीं रही, फिर गिरवी रखने के लिए जो खुद के शेयर थे वो भी भाई सब कम पड़ गए, फिर इनकम टैक्स कह रही कि हमारा सेटल करो, फिर उसके बाद जो पुराने इन्वेस्टर थे जिन्होंने आज तक पैसा लगाया वो कह रहे भैया हमारी रिकवरी करके दे। तो चहुं ओर से फंस गए भाई साहब। ये जो बहुत ज्यादा लोन लेके भागता है उसको लगता है सब कुछ सही होगा, पर कोई ऐसी घटना घट जाती है जो उसकी डिक्शनरी में नहीं थी। उसको क्या पता था कि यार इसके रेड होगी मेरा नंबर आएगा, या फिर ये वाला बैंक ड्रॉप हो जाएगा तो मेरे पैसे बंद हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो आपको नहीं पता पर घट जाती है और फिर आपको कोई नहीं बचा पाता। तो इन्हीं सभी प्रेशर के कारण शायद उन्होंने सुसाइड कमिट किया। उसके बाद इनकी जो वाइफ है मालविका जी, उन्होंने कंपनी को हैंडओवर किया, बहुत सारे लोन उन्होंने चुकाए
बहुत सारी असेट उन्होंने बेची, कंपनी को थोड़ा डाउनसाइज भी किया, काफी हद तक संकट से उबार दिया है, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आए। अभी इनका जो शेयर एक समय पे 320 रुपए था, वो अभी रिसेंटली मैंने जब वीडियो बनते समय 35 रुपए का लगभग इनका शेयर रह गया। मार्केट कैप एकदम डाउन है और अभी लास्ट 200-300 करोड़ के लोन का डिफॉल्ट भी ये कर चुके हैं। तो कंपनी काफी हद तक उभरी है लेकिन अभी तक प्रॉपर सतह पे नहीं आई है, प्रॉफिट में तो बिल्कुल नहीं है। हम तो यही कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ लक कि ये कंपनी उभरे, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा नाम था। लेकिन अब आपने पूरी केस स्टडी समझा कि बिजनेस में अगर आप ढंग से डिसीजन ले रहे हैं, एवरीथिंग इज राइट, तो ग्रोथ कितनी तेज होती है। और अगर 2-4 ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए तो माइनस होने में भी टाइम नहीं लगता। हाँ, अगर ये सारी चीज़ें होती, ये खुद की जेब से या खुद के प्रॉफिट से एक्सपेंड कर रहे होते, तो ये दोनों चीज़ों से इनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो मशीन है जहाँ से पैसा आ रहा है, इनकी तो सारी मशीनें बंद पड़ी थी और लोन और बंद हो गया। लाइफ लेसन नंबर 8, लाइफ प्रेशियस है भैया। 2019 में अपने उन्होंने ड्राइवर को बोला कि भैया एक पुल पे, उन्होंने कहा कि भैया मुझे खड़ा कर दो, तुम एक घंटा चक्कर लगा के आओ, मैं अकेला ही टहलूंगा। कुछ समय बाद वो वहां से कूद गए। तो अगर वो फिजिकली फिट होते या मेंटली फिट होते या डिप्रेशन या स्ट्रेस को हैंडल कर पाते, तो शायद आज सीसीडी की कहानी कुछ और होती। अभी तो चीजें नेगेटिव में है, तो भैया कभी हिम्मत नहीं हार रही है। चीजें जब अगर खराब होती है तो चीजें अच्छी भी होती है। इस कहानी को सुनकर मेरी 2-3 कहानियां दिमाग में घूम रही है। नरेश गोयल, जेट वाले, विजय माल्या जी, अनिल अंबानी जी, आप बोलो तो इन तीनों में भी केस स्टडी कर दे। अगर करनी है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और बताने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।